तो कभी जो है तीन तलाक का तमाचा मार देते हैं। काम किया था तो मैं खुद को जला लूंगा। हम अपना जमीन देने के लिए तैयार हैं उनके लिए। आदाब नमस्कार, मैं मुजाहिदुल इस्लाम, आप देख रहे हैं रिपोर्टेज। मैं भी मौजूद हूं कटिहार बिहार में। यहां तीन दिनों से कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष और एक सोशल वर्कर, ये लोग लगातार तीन दिन से NRC और CAA के खिलाफ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या मांग है और कब तक ये लोग हड़ताल में रहेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ अनशन पे क्यों बैठे हैं? देखिए, अनशन पे बैठना, आपका कहना सही है कि क्यों बैठे हैं। आप मीडिया हैं, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीडिया जो है देश की आंख है जी, स्तंभ माना जाता है। आपको पता ही होगा कितने जी, कितने नंबर का स्तंभ है ना, चौथा स्तंभ माना जाता है। तो आपकी बात देश विदेश पूरे वर्ल्ड में लोग सुनते हैं, उसको मानते हैं। और आप अगर कह दें कि ये आदमी आतंकवादी है तो लोग उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे। अब आपकी सवाल थी कि मैं धरना स्थल पे क्यों बैठा हूँ, भूख हड़ताल में क्यों बैठा हूँ। देखिए, सरकार की जो ये दोहरी नीति वाली जो कानून अभी पारित हुई हाल में, CAA है ना, तो ये CAA जो बनाया गया है, पहले CAB था है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, कानून हो गया, सरकार इसमें मान्यता प्राप्त हो गया, लोकसभा से वोटिंग हो गया, राष्ट्रपति का मोहर लग गया, साइन लग गया, तो ये राज्यसभा तो जो है उसका जो है कानून हो गया। लेकिन आप अगर संविधान को देखते हैं तो संविधान आप भी पढ़े होंगे, हम भी थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, तो संविधान जब आप देखते होंगे तो संविधान में ये लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, स्त्रीलिंग हो, पुरलिंग हो, या जो समलैंगिक बहुत सारा जो लिंग होता है, सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि जो इस देश के निवासी, जो इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ ये जो भेदभाव बोल रहे हैं, अब जाति के हिसाब से नहीं, जो बाहर मुल्क, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ में जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो जो मतलब प्रताड़ित होकर जो शरण लेना आते हैं, तो उनको नागरिकता देने की बात है, ये जो बात है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के नागरिकों को परेशान होने की बात नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, समझाता भी हूँ। ये मेरा तर्क नहीं है, सरकार का तर्क है। ठीक है, सरकार का तर्क है, मैं सरकार को आपके मुखातिब होकर के उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, आपने अभी हाल ही में बयान देखा होगा कि मोदी जी ने कहा मैं NRC को नहीं जानता हूँ, NRC को मैं लागू नहीं कर, कभी मैंने बात ही नहीं की। लेकिन फिर गृह मंत्री का जब आप बयान सुनते हैं है ना, जब बयान सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, मैं NRC लागू करके रहूंगा। चुन कर जब आप नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं तो फिर आपने बिल पास क्यों कराया, फिर आपने विधानसभा लोकसभा में आवाज क्यों उठवाई, लोग को सड़कों पे आने पर मजबूर क्यों किया? और आपने कहा कि जो हमारे मुल्क से बाहर रह रहे हैं हिंदू साथी, हिंदू बड़े भाई हमारे, मैं हिंदू धर्म के जाति को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम सॉरी हिंदू जैन सिख क्रिश्चियन एंटी चाहे जो भी है ना, मुस्लिम छोड़कर जो लोग भी दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा। अच्छा, आप मीडिया से हैं, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा कभी भी आपने कोई न्यूज में देखा कि किसी हिंदू को बम मार दिया गया? कभी आपने देखा कभी किसी की क्रिश्चियन को गोली मार दी गई सरकार के द्वारा, कि पाकिस्तान सरकार या अफगानिस्तान सरकार या आपका बांग्लादेश सरकार या ईरान सरकार जो है हिंदुस्तानी हिंदू को गोली मार दिया, क्रिश्चियन को गोली मार दिया या बम मार दिया, या ऐसा कोई मैसेज देखा? ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हिंदू भाई जहाँ रहते हैं वहाँ डट के रहते हैं, मजबूती से रहते हैं और अपनी आज़ादी से रहते हैं, और बाय चांस नहीं रहते हैं, वो बाय चॉइस रहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में रहना है, मुझे बांग्लादेश में रहना है, मुझे इंडिया में रहना है, मुझे अमेरिका में रहना है, मुझे इंग्लैंड में रहना है, वो
बाय चांस नहीं है, वो बाय च्वाइस है। अरे सरकार कह रही है कि ठीक है उनको आने दिया जाए, बुलाइए ना भाई, हमारे भाई हैं, हम अपना जमीन देने के लिए तैयार हैं उनके लिए। अगर उनको जमीन नहीं होगा तो हम अपना जमीन अपने घर में उनको रखेंगे। हम इस फैसले से स्वागत करते हैं सरकार का कि बुलाइए, वो हमारे भाई है, हमारे खून के रिश्ते से बढ़कर हैं, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी का भी उतना ही योगदान था, भगत सिंह का भी उतना ही योगदान था, महात्मा गांधी जी का भी उतना ही योगदान था, अशफाकुल्ला खान का भी उतना ही योगदान था, है ना, उमर फारूक जी का भी उतना ही योगदान था। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, देखिए मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, आप लोग इस बात को नहीं लीजिए, क्योंकि मैं अभी लगभग 70 घंटे से भूखा हूँ, आवाज़ लड़खड़ाएगी कहीं तो आप इसको गलत लेवे में नहीं लीजिएगा। तो सारे स्वतंत्रता सेनानी ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई है, इसमें तो कहीं कम्युनिटी की बात नहीं थी। हमारी लड़ाई आरएसएस के विचारधारा से है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति पर। लेकिन जब अमित शाह संसद में बोल रहे थे जो डिवाइड एंड रूल का जो ये पॉलिसी था, तो नेहरू जी के बारे में बता रहे थे कि नेहरू जी का ये था। देखिए वो लालचन लगा सकते हैं, लेकिन नेहरू जी का आप वीडियो दिखा दीजिए, नेहरू जी का कोई वैसा विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज दिखा दीजिए कि नेहरू जी ने कभी डिवाइड करने का काम किया था, कभी बांटने का काम किया था देश को, आप दिखा दीजिए, एक भी प्रमाण दिखा दीजिए, मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूँगा। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, अगर ऐसा प्रमाणित हो जाता है कि नेहरू जी ने डिवाइड एंड रूल का काम किया था, तो मैं खुद को जला लूँगा। लोगों को मतलब ऐसे उलझा रहे हैं देश में, लोग अपने कार्य को छोड़कर, सारे कार्य को छोड़कर इसी में लग गए हैं। लोग कोई अपना डॉक्यूमेंट्स निकालने में परेशान है, कोई अपना वाइफ से परेशान हो गया है, कोई मोटर व्हीकल एक्ट से परेशान हो गया, कोई कागज़ मोटरसाइकिल का बनाने में परेशान है। मतलब ऐसे ऐसे नए नए नियम लागू करते जा रहे हैं, नया नया चीज़ अपनाते जा रहे हैं, जिससे सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है, देश को उल्टा नुकसान हो रहा है, देश की रणनीति जो है खराब होती जा रही है दिन ब दिन, देश की राजनीति गड़बड़ होती जा रही है जी। और आप ये अनशन आप कब तक जारी रखेंगे? देखिए ये मेरा आश्वासन मिला कहीं से कि आप अब तक देखिए ना प्रशासनिक कोई व्यवस्था है जी। ना ही हमारे समक्ष कोई भी ऐसे लोग या कोई भी ऐसे राजनीतिक पार्टी के बड़े ओहदे वाले लीडर सामने अब तक नहीं आए हैं, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोगों को समझने की आवश्यकता है, लोगों को समझने की आवश्यकता है अभी कि देश में क्या हो रहा है, देश का हालत क्या हो रहा है, जीडीपी इकोनॉमी की कितनी बदतर हालत है, देश में बेरोजगारी की कितनी बदतर हालत है। लोग जो है रोजगार पे बात ही नहीं कर रहे हैं, कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा उस पे बात नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, 30 करोड़ लोग भारत में भूखे सोते हैं, 30 करोड़ लोग भारत में भूखे सोते हैं, और उनके पास ना रहने को घर है, ना सोने को सही से बिस्तर है। आप प्लेटफॉर्म में भी जाते होंगे न्यूज कवर करने, देखते होंगे कि सैकड़ों लोग प्लेटफॉर्म में सोते हैं, सैकड़ों लोग जो बसेरा जो है मतलब हाँ रैन बसेरा कैलोनी है कई तरह की, तो वो लोग जो है वो लोग जो अपना खाना नहीं जुगाड़ कर सक रहे हैं, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स कहाँ से प्रमाण करेंगे भाई हमको, आप बताइए ना। ये गोदी मीडिया, कुछ लोग मीडिया जो है कई तरह की बात उड़ा रही है कि ये सरकार का अच्छी नीति है, फलानी नीति है। मैं कहता हूँ कि आपको चौथा स्तंभ का दर्जा है, आप देश की आँख हैं, और आप इस तरह से गलतियाँ कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। आप सच्चाई को बयान कीजिए। आज रवीश कुमार को अवार्ड मिला कि नहीं मिला? क्यों मिल गया? क्या कांग्रेसी ने जाके अवार्ड दिलवा दिया? आप हमको ये बताइए, रवीश कुमार जी को क्यों अवार्ड मिला? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को हमेशा बयां किया, हालांकि उनके फॉलोअर कम है, हालांकि उनके व्यूअर कम है, लोग उसका टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि उनको कितना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये देश में गर्व की बात है। आप जब भी सच्चाई की बात करेंगे, कुछ लोग आपके दुश्मन भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग आपके दुश्मन नहीं हुए। जैसे आज मैं जिस सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, हमारे बीच हमारे कई दुश्मन लगे हुए हैं, कई तरह की धमकियाँ भी आ रही है, कई तरह का बात भी हो रहा है, लेकिन मैं अपने हौसले को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोग हैं, उनका पूरा मदद मिल रहा है, पूरी ताकत मिल रही है, उसी ऊर्जा पर हम टिके हुए हैं। और हमारा डिमांड तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार के यहाँ से, बिहार सरकार के यहाँ से कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हो जाती है, या पूरा आश्वासन नहीं दिया जाता है, हम लोगों को स्पष्ट नहीं बताया जाता है, तब तक हम अपना अनशन जारी रखेंगे। मैं इजहार अली, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, कटिहार।